मुस्लिम समाज मुल्क के बलिदान को हाथ आगे बढ़ाए, वहीं मुस्लिम समाज को अपनी सभी कुरूतियों को खत्म कर देश के बलिदान के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये बात आज काशीपुर के मंडी गेस्ट हाउस में राष्ट्रीय इमाम संघ के मुख्य इमाम उमेर अहमद इलियासी ने एक बैठक के दौरान मौजूद उलेमाओं और लोगों से कही। आपको बता दें, आज राष्ट्रीय इमाम संघ के मुख्य इमाम भारत उमेर अहमद इलियासी का दिल्ली से काशीपुर पहुंचने पर स्थानीय इमामों और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए मुख्य इमाम ने देश के मजबूती के लिए आगे आने की सलाह देते हुए कहा कि आज मुस्लिमों में कोरोना टीकाकरण को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो कि देश और मुस्लिम कौम को कमजोर करने जैसा है। ऐसे लोगों को देश कमजोर करने से बाज जाना चाहिए। वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीन लगाने के लिए सोशल मीडिया पर गलत गलत अफवाहें, गलत गलत बातें पेश की जा रही हैं, तो मैं तमाम सबको ये बताना चाहता हूं कि पिछले एक महीने पहले हमने इसका ऐलान कर दिया था। तमाम हिंदुस्तान की 5.5 लाख मस्जिदों से, तमाम इमामों के माध्यम से हमने इसको ऐलान किया है कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, क्योंकि ये वैक्सीन ही एकमात्र हमारे पास इलाज है। इसके अलावा चूँकि अभी कुछ और है नहीं, क्योंकि पहली वेव आई थी कोरोना की, उसके बाद दूसरी वेव आई। दूसरी वेव में हमने सभी लोगों ने अपने अपने लोगों को खोया है, ये सभी आप जानते हैं, तो इसलिए तीसरी वेव आने के खतरात सामने मौजूद हैं। उसके मद्देनज़र मैं तमाम अपने भारतवासियों से अपील और गुजारिश कर रहा हूँ कि वैक्सीन को ज़रूर लगवाइए। तो हमें भारतीय होने की बात करनी चाहिए, ये अलग बात है कि हम सबको, मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि हमारे सबके धर्म अलग हो सकते हैं, हमारी जातियाँ अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके ज़रूर अलग हो सकते हैं, हमारी परंपराएं ज़रूर अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है वो इंसान का और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं तो भारतीय है। आओ हम सब मिलकर भारत को मजबूत करें, और भारतीय के अपने, चूँकि राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत मजबूत होगा।